अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजहां टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हाजिर दोस्तों एक नया टॉपिक के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपना नज़दीक यूनियन बैंक का एटीएम में लेकर चलता हूँ आप लोगों को। जाके पहले मैं बैलेंस चेक करेंगे, उसके बाद अपना पैसा विड्रॉल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, देखिए सबसे पहले अपना जो एटीएम कार्ड है मशीन में इंसर्ट कर देना है, ठीक है, मशीन में डाल देना है। तो चलिए मैं डाल दिया हूँ। डालने के बाद स्क्रीन में कुछ इस तरह का आएगा, देखिए स्क्रीन में थोड़ा वेट करने बोल रहा है, आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। उसके बाद लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा, तो मैं इंग्लिश बटन को दबा देंगे। दबाने के बाद मेरा सामने देखिए कुछ इस तरह का आएगा, मैं बैलेंस इंक्वायरी वाला बटन को दबा देंगे। दबाने के बाद अगर आप यस बटन को दबाओगे तो रिसीव नहीं निकलेगा, अगर नो दबाओगे तो रिसीव निकलेगा। तो चलिए मैं यस दबा देता हूँ। दबाने के बाद मेरा अकाउंट जो है कौन सा कैटेगरी का है, मेरा सेविंग अकाउंट है तो मैं सेविंग वाला बटन को दबा दिया। उसके बाद यहाँ पे 4 डिजिट का पिन नंबर आपको डाल देना है, तो चलिए मैं 4 डिजिट का पिन नंबर जो है एटीएम का वो मैं डाल देता हूँ। डालने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर पिन प्रेस हेयर, मैं बटन को दबा दिया। दबाने के बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, देखिए मेरा बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा। अभी मैं कैंसिल करके मैं अपना कार्ड निकाल लेंगे, निकाल के फिर दोबारा मैं कार्ड को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं दोबारा कार्ड को इंसर्ट करता हूँ मशीन में और इंसर्ट करके कैश विड्रॉल करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लीजिए। उसके बाद लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा, इंग्लिश बटन को दबा देंगे। दबाने के बाद यहाँ पे देखिए सेकंड वाला जो ऑप्शन है कैश विड्रॉल, विड्रॉल बटन को दबा देना है, देखिए विड्रॉल लिखा है। उसके बाद मैं यस करेंगे क्योंकि मेरे को रिसीव नहीं लेना है, यस बटन को दबा दिया। दबाने के बाद मेरा जो अकाउंट टाइप है मेरा सेविंग अकाउंट है, सेविंग वाला बटन को दबा दिया, बीज वाला। दबाने के बाद अपना जो अमाउंट है यहाँ पे लिख देंगे 500 रुपीज़। लिख के मैं यहाँ पे जो बटन है करेक्ट, ये बटन को मैं दबा देंगे। दबाने के बाद अपना जो 4 डिजिट का पिन नंबर है, पिन नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पे। पिन नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर पिन प्रेस हेयर, दबा दिया। दबाने के बाद आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, ठीक है आप लोग वेट कीजिए। देखिए मेरा पैसा अभी बाहर आएगा, देखिए ये मेरा 500 रुपया आ गया बाहर, ठीक है। साथ ही साथ मेरा कार्ड भी बाहर आ जाएगा, देखिए देखिए मेरा कार्ड भी बाहर आ चुका है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और पूरी तरीके से समझ में आ गया। तब भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, मेरे को कमेंट करना, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल में नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ में घंटी बटन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए रेगुलरली वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं अगले कोई नया टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।